हेलो फ्रेंड, फेमस टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि गुरलीन के सामने आया सीरत का असली चेहरा। तो वहीं गुरलीन ने साहिबा के होश में आते ही किया साहिबा को आगाह आने वाले बड़े तूफान से। जी हां दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां ऑपरेशन के बाद साहिबा की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आएगी, तो वहीं डॉक्टर्स अंगद से साफ साफ कह देंगे कि साहिबा कोमा में जा चुकी हैं और इनको कब तक होश आएगा ये हमारे लिए कह पाना ज़रा मुश्किल है। जहां अंगद के तो होश ही उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रख के साहिबा को होश में लाने की पूरी कोशिश करेगा। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां पूरा का पूरा बरार परिवार साहिबा के लिए परेशान हो रहा होगा और हर कोई साहिबा के ठीक होने की रबजी से अरदास कर रहा होगा, तो वहीं गुरलीन भी साहिबा के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होगी और इस बुरे वक्त में अंगद का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती नजर आएगी। जहां अंगद साहिबा की बिगड़ती कंडीशन देख के बुरी तरह से टूट के बिगड़ जाएगा और हिम्मत हार के बैठ जाएगा कि तभी अंगद की सिंपथी गेन करने के चक्कर में सीरत अंगद के पास आएगी और अंगद के काफ़ी क्लोज आके बैठ जाएगी और अंगद के कंधे पर हाथ रख के उसे संभालते हुए नजर आएगी। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि गुरलीन भी तभी वहां जाएगी और सीरत को अंगद के इतने ज़्यादा करीब देखकर शॉक्ड हो जाएगी और गुरलीन को सीरत का ये सब करना कुछ अजीब सा लगेगा। तो वहीं गुरलीन को देखकर सीरत जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेगी और अंगद से दूरी बना लेगी और गुस्से में वहां से चली जाएगी। अब शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि साहिबा को जल्द ही होश आ जाएगा और गुरलीन काफी खुश होगी और गुरलीन साहिबा से ये साफ साफ पूछते नजर आने वाली है कि साहिबा पुत्र, तेरे और अंगद के बीच सब कुछ ठीक है ना? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ पुत्र कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन खुद की जिंदगी भी इम्पोर्टेंट होती है और खुद का रिश्ता भी ज़रूरी होता है, हमें उसे भी वक्त देना होता है। और जो इंसान अपने रिश्ते की कदर ना कर पाए और ना संभाल पाए तो उसकी सबसे बड़ी हार होती है और दूसरों को मौका मिल जाता है फ़ायदा उठाने का। तो वहीं दोस्तों, शो का अपकमिंग ट्रैक बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, जहां गुरलीन की वार्निंग से साहिबा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और साहिबा करने वाली है अंगद के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत। तो दोस्तों, आप सब कितने हैं एक्साइटेड इस अपकमिंग ट्विस्ट को देखने के लिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।